हेलो एवरीवन, साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर 2020, और मुझे ये लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये साल आप लोगों से रूबरू हुए बगैर ही निकल जाए। तो साल का आखिरी दिन मैंने सेलेक्ट किया कि मैं आप लोगों के साथ रूबरू भी हो जाता हूँ, और साथ ही में जिन लोगों का भी अटेम्प्ट मई 2021 में है और जो इस बात को लेकर के वरिड है कि सर GST IDT में क्या क्या अमेंडमेंट्स हो गई हैं जो कि मई 2021 के एग्ज़ाम में आएंगी, तो उन लोगों को उन अमेंडमेंट्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू भी दे देता हूँ। सो आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं जस्ट एक गिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स जो कि एप्लीकेबल रहेंगी मई 2021 के अटेम्प्ट के लिए, उसका डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। और ध्यान दीजिएगा, डिस्कशन के लिए जो मैं ये फाइल यूज़ कर रहा हूँ, इस फाइल का लिंक मैं इसी वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा, उसे आप डाउनलोड करके जो है वो अपने पास रख सकते हैं, सो दैट द स्कोप ऑफ अमेंडमेंट दैट रिमेंस क्लियर टू यू। बाकी जो डिटेल्स अमेंडमेंट वीडियो रहेगी वो आपके साथ इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है वो बाद में जो होगी वो शेयर की जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गिस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स, किस किस एरिया में हमारे पास अमेंडमेंट्स हुई हैं जो कि मई 2021 के एग्जामिनेशन के लिए हमारे लिए रेलिवेंट है। सो लेट्स मूव ऑन, अब लुक एट द स्क्रीन। सबसे पहली अमेंडमेंट, मैं जीएसटी के साथ आपकी अमेंडमेंट स्टार्ट कर रहा हूं, तो सबसे पहली अमेंडमेंट जीएसटी में अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन के चैप्टर में हुई है, बेसिक्स ऑफ जीएसटी बेसिकली। उसमें जो यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन थी सीजीएसटी एक्ट में, वो डेफिनेशन जो है वो अमेंड की गई है, और बड़े सिंपल रीजन की वजह से बेटर डेफिनेशन अमेंड भी की है। जैसा कि आप जानते हैं जे एंड के का जो स्टेट था वो रीऑर्गेनाइज किया गया और उसको दो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जे एंड के एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जिसमें से यूनियन टेरिटरी ऑफ जे एंड के जो है वो तो जीएसटी में स्टेट की डेफिनेशन में कवर हो जाती है बिकॉज दैट इज अ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, बट जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख न्यू टेरिटरी बनी उसको डेफिनेशन में इंकॉर्पोरेट करना था, तो उस पर्पज के लिए उन्होंने यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन जो है वो अमेंड करी। एंड साथ ही में दूसरी एक अमेंडमेंट जो इसी से रिलेटेड है वो ये है कि गुजरात स्टेट के आसपास जो हमारे पास अलग अलग यूनियन टेरिटरी होती थी, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, उन दोनों यूनियन टेरिटरी को गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन सिंप्लीफिकेशन के पर्पस के लिए मर्ज कर दिया। अब वो मिल करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी हो गई है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, तो अकॉर्डिंगली उस चेंज को भी इंकॉर्पोरेट करने के लिए उन्होंने जीएसटी के लॉ में यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन को जो है वो अमेंड कर दिया है। दैट्स अ सिंपल अमेंडमेंट। फिर उसके बाद सेकेंड अमेंडमेंट जो है वो बेसिकली रिवर्स चार्ज के चैप्टर से रिलेटेड है। ये अमेंडमेंट बेसिकली क्या है, सीबीआईसी की तरफ से क्लेरिफिकेशन इशू हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं डायरेक्टर्स कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को जो सर्विसेज देते हैं उनके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल था, वहाँ कुछ कन्फ्यूजन्स आ रही थी कुछ इश्यूज को लेकर के, तो सीबीआईसी ने उसके ऊपर जो है वो एक क्लेरिफिकेशन इशू किया है। बड़ा सिंपल सा इशू था, आपको मैं याद दिलाता हूँ, डायरेक्टर्स हमारे पास जो होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स एंड अदर डायरेक्टर्स। जो होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं और उनकी सर्विसेज जब वो कंपनी को देते हैं तो वो आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई हो जाती है बिकॉज एम्प्लॉई की सर्विसेज टू द एम्प्लॉय जो है वो आउट ऑफ स्कोप है एज पर शेड्यूल 3। अदर डायरेक्टर्स की सर्विसेज दैट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है और उसके ऊपर आरसीएम भी लगता है। अब ये जो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं इनको लेकर के सीबीआईसी ने क्लेरिफिकेशन इशू करी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि होल टाइम डायरेक्टर जो है वो अगर कंपनी को सर्विस देता है बट नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, इन अदर कैपेसिटी लाइक इन सम प्रोफेशनल कैपेसिटी, जिसका कंपनी जो है वो प्रोफेशनल वाला TDS भी काटती है, तो उन्होंने बोला है कि जो होल टाइम डायरेक्टर है जब वो कंपनी को अदर कैपेसिटी में सर्विस देगा तो वो आउट ऑफ स्कोप नहीं होगी बिकॉज वो एम्प्लॉय की कैपेसिटी की सर्विस नहीं है, दैट विल रिमेन विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई, और क्योंकि वो विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई है सब्जेक्ट टू जीएसटी है तो उसके ऊपर आरसीएम भी एप्लीकेबल रहेगा और कंपनी जो होगी उसके ऊपर जीएसटी जो होगा वो पे करेगी। दैट्स अ सिंपल क्लेरिफिकेशन। नेक्स्ट कैटेगरी की अमेंडमेंट की, दैट इज इनटू द चैप्टर ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में हमने बात किया था सेक्शन 49 एंड सेक्शन 50 की। सेक्शन 49 ने बताया था कि पेमेंट ऑफ टैक्स किस तरीके से जो है टैक्स पेयर जीएसटी का जो है वो करेगा थ्रू द लेजर्स एंड ऑल दैट, एंड सेक्शन 50 जो था वो इंटरेस्ट की बात करता था कि अगर ड्यू डेट पर टैक्स पे नहीं किया जाता है तो फिर टैक्स पेयर को बिलेटेड पेमेंट करने पर 18% पर एनम का इंटरेस्ट भी जो होगा वो पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट को लेकर के एक इशू काफी लंबे समय से चला आ रहा था कि अगर एक व्यक्ति बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स करता है तो उसे जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो अपनी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी जो बिलेटेड पे करी है उस पर पे करना होगा, या फिर उसे अपनी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी का वो पोर्शन जो कि बेसिकली ई कैश लेजर से उसने पे किया है जिसे हम नेट टैक्स लायबिलिटी भी कहते हैं, उसे सिर्फ नेट टैक्स लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट जो होगा वो पे करना पड़ेगा। लॉजिकली इंटरेस्ट जो है वो नेट टैक्स लायबिलिटी के ऊपर होना चाहिए, कैश कंपोनेंट के ऊपर होना चाहिए, पर उस पर
टेक्निकली कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे थे जिसको उन्होंने फाइनेंस एक्ट 2019 से रिजॉल्व किया था। सेक्शन 50 में एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया था, याद होगा आपको, हमने लेक्चर में डिस्कस भी किया था, जिस प्रोविजो में स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया था कि बिलेटेड पेमेंट के केस में इंटरेस्ट सिर्फ कैश कंपोनेंट के ऊपर चार्ज किया जाएगा, सिर्फ उस लाइबिलिटी के ऊपर चार्ज किया जाएगा जो कि ई कैश लेजर से डिस्चार्ज हुई है। अब ये जो प्रोविजो था ये फाइनेंस एक्ट 2019 ने बहुत पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था, बट फॉर सम reasons गवर्नमेंट ने इसे एनफोर्स नहीं किया था। अब ये प्रोविजन जो है वो एनफोर्स कर दिया गया है। तो ये सारा डिस्कशन तो आपके साथ लेक्चर में ऑलरेडी हो रखा था, तो ये सिर्फ बेसिकली वो अमेंडमेंट है जो पेंडिंग थी एनफोर्समेंट में और अब एनफोर्स कर दी गई है। अगली जो सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट हुई है दैट इज इनटू द चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में लास्ट टाइम एक सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट हुई थी बाय फाइनेंस एक्ट 2019, जिसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जो था वो मैंडेटरी कर दिया गया था फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्संस। सेक्शन 25(6)A, 6(b), 6(c) and 6(d) रेलेवेंट प्रोविजन थे जिनमें ये स्पेसिफाई किया गया था कि बेसिकली किस कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन कराना जो होगा वो मैंडेटरी होगा, लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था। और साथ ही में उन्होंने एसोसिएटेड रूल्स भी अमेंड किए थे और प्रोवाइड किया था कि अब रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर में आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, और इन केस कोई पर्सन आधार ऑथेंटिकेशन के लिए लायबल है बट नहीं कराता है, देन इन दैट सिचुएशन अमेंडेड रूल्स में ये प्रोवाइड किया गया था कि उसका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो ऑफिसर तब तक ग्रांट नहीं करेगा जब ऑफिसर पहले एक बार उसकी प्रीमाइसिस का फिजिकल वेरिफिकेशन ना कर ले। और फर्दर ये प्रोवाइड किया गया था इन केस पर्सन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराता है, ऑफिसर उसके प्रीमाइसिस का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, और फिजिकल वेरिफिकेशन में क्योंकि टाइम लग सकता है तो उस केस में डीम्ड रजिस्ट्रेशन के जो प्रोविजंस हैं वो जो होंगे वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। अच्छा, अब उन्होंने इन रिलेटेड रूल्स में जो है वो फिर से चेंज कर दिया है, और अब अमेंडेड रूल्स जो है वो ये कहते हैं कि अगर एक पर्सन लायबल फॉर आधार ऑथेंटिकेशन है लेकिन वो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराता है तो भी उसके ऊपर डीम्ड रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल रहेंगे। पहले नहीं होते थे पर अब उसके ऊपर भी डीम्ड रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन जो होंगे वो एप्लीकेबल रहेंगे। अमेंडेड प्रोविजन इन समरी अगर बोलूं तो वो ऐसे कहते हैं कि इफ अ पर्सन इज लायबल फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पर वो अगर अपना आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराते हैं तो सबसे पहली बात ऑफिसर जो होगा अब उनका रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने से पहले दो मोड सेलेक्ट कर सकता है। नंबर वन, वो उनकी प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करें। नंबर टू, ये एक नया मोड उन्होंने प्रोवाइड किया जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर वो किसी वजह से उसका फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमाइस नहीं करता है तो वो उसके अदर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करे और फिर उसको रजिस्ट्रेशन जो है वो ग्रांट कर दे। और साथ में ये प्रोवाइड किया गया है कि इस केस में भी डीम्ड रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल रहेंगे, पर जो डीम्ड रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेबिलिटी होगी जो कि अदरवाइज नॉर्मली 3 days में आती है वो 3 दिन में ना करके वो 21 दिन के बाद डीम्ड रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन जो होंगे वो एप्लीकेबल रहेंगे। बाकी इसका डिटेल डिस्कशन जो होगा वो आप हमारे डिटेल वीडियोज में हमारे साथ सुनेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट एरिया ऑफ अमेंडमेंट जो किया गया है वो टैक्स इनवॉइस में किया गया है। एंड हाँ जी, ये जो टैक्स इनवॉइस की अमेंडमेंट है ये सबसे सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है जो शॉर्ट मई 2020 के अटेम्प्ट में आपसे जो है वो पूछी जाएगी। ई इनवॉइसिंग, आप काफ़ी टाइम से इनवॉइसिंग के बारे में सुनते आ रहे हैं, अगर आप रेगुलर प्रोफेशनल अपडेट्स पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप ई इनवॉइसिंग के बारे में पढ़ रहे होंगे। और काफ़ी लंबे समय से गवर्नमेंट ई इनवॉइसिंग को इंट्रोड्यूस करना चाहती थी बट फॉर सम और अदर रीजन उसको टाइम टू टाइम डेफर किया जा रहा था, बट फाइनली द डी डे हैज़ अराइव्ड एंड अक्टूबर 2021 से ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ सप्लायर, बेसिकली बिग सप्लायर्स, उनके लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि उनको अपना ई इनवॉइस जो होगा वो रेस करना पड़ेगा, अपने रेसिपिएंट्स को वो ई इनवॉइस जो होंगे वो इशू करेंगे। उसके लिए रिलेटेड रूल्स में अमेंडमेंट की गई है। ई इनवॉइसिंग का प्रोसेस क्या रहेगा वो बड़ा लंबा चौड़ा सा प्रोसेस है जिसको आपको समझना है, डिटेल में हमारी अमेंडमेंट लेक्चर्स में वो आप हमारे साथ समझेंगे। चलिए जी, और एरिया ऑफ अमेंडमेंट क्या है? अच्छा, इनवॉइस वाले में ही एक आपको एक और अमेंडमेंट हुई है वो भी बता देता हूँ। इनवॉइस के ऊपर HSN कोड की मेंशनिंग को लेकर के रिलेटेड प्रोविजन जो थे उनमें कोई अमेंडमेंट की गई है, पर वो अमेंडमेंट
अभी फॉर द टाइम बिंग के लिए इंप्लीमेंट नहीं कराई गई है, डेफर्ड कर दी गई है। वो जनवरी 2021 से एप्लीकेबल होगी, और क्योंकि वो जनवरी 2021 से एप्लीकेबल होगी तो इसलिए वो आपके मई 2021 के अटेम्प्ट के लिए अप्लाई नहीं होगी, वो नवंबर 2021 का जो अटेम्प्ट होगा उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। आईसीआई ने उस अमेंडमेंट को अपने स्टडी मटेरियल में कवर किया, बट साथ ही में क्लियरली रिमार्क से ये मेंशन कर दिया है कि हम इस अमेंडमेंट को कवर कर रहे हैं नॉट फॉर मई 2021 बट ओनली फॉर नवंबर 2021। तो ये एचएसएन वाली अमेंडमेंट जो है वो मई 2021 वाले स्टूडेंट जो है वो इजिली स्किप कर सकते हैं। चलिए जी, मूव करते हैं नेक्स्ट एरिया ऑफ अमेंडमेंट, वो है रिटर्न के चैप्टर में बहुत छोटी सिंपल सी अमेंडमेंट। रिटर्न के सबमिशन प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने रूल 67A करके एक रूल इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई नॉर्मल टैक्स पेयर है उसकी किसी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड की रिटर्न जो है वो निल रिटर्न है, और यहाँ निल रिटर्न का मतलब टैक्स लाइबिलिटी निल, वो वाली नहीं, उसकी रिटर्न ऐसी है कि उस टैक्स पीरियड में ना ही उसने कोई परचेज करी है ना ही कोई सेल करी है, बेसिकली उसकी कोई एंट्री ही नहीं है रिपोर्ट करने के लिए रिटर्न में, तो ऐसी जो निल रिटर्न है उसको सबमिट अब वो सिंपल जो है वो एसएमएस के थ्रू जो है वो सबमिट कर सकता है। एसएमएस के थ्रू निल रिटर्न जो है वो सबमिट की जा सकती है। ये फैसिलिटी उसको अपनी रेगुलर रिटर्न के लिए भी मिलेगी, एज वेल एज जीएसटीआर 1 सबमिशन के लिए भी उसे मिलेगी। कंपोजिशन सप्लायर को भी ये फैसिलिटी एसएमएस के थ्रू सबमिट करने की दी गई है, बट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वार्टरली टैक्स पेमेंट स्टेटमेंट। ये सिंपल रूल 67A करके एक रूल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके अलावा रिटर्न्स की अगर ड्यू डेट की बात करें तो रिटर्न्स में पहली बात तो आपको पता होगा, रिटर्न्स में काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही है कि न्यू रिटर्न मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस होने वाला है, पर वो गवर्नमेंट ने अभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है। न्यू रिटर्न मैकेनिज्म अभी भी जो है वो डेफर कर दिया गया है, जो एग्जिस्टिंग रिटर्न्स चल रही हैं जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी वो कंटिन्यू रहेंगी। GSTR 1 मंथली बेसिस पर 10 तारीख को सबमिट करनी होती है, बट आप जानते हैं फॉर सम रीजन उसकी एक्सटेंडेड ड्यू डेट 11 तारीख चल रही है, उन्होंने उसी एक्सटेंडेड ड्यू डेट के साथ उसे कंटिन्यू फाइल करने के लिए बोला है। GSTR 3B की ड्यू डेट आप सबको पता है लास्ट टाइम जो थी वो स्टैगर्ड मैनर में 20, 22 और 24 कर दी गई थी, 20 बेसिक डेट थी और कुछ के लिए 22 और 24 कर दी गई थी, तो वो सेम जो होगा वो आगे भी कॉन्टिन्यू रहेगा। इसके अलावा जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है, जीएसटीआर 1 आपको याद होगा जो छोटे कैटेगरी ऑफ सप्लायर्स होते थे जिनका एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 1.5 सीआर तक होता था, उनको जीएसटीआर 1 क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करनी होती थी। स्पेशल प्रोसीजर दिया गया था और बोला क्या गया था, वो अपनी क्वार्टरली बेसिस पर जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, जिसको वो बाय द एंड ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ जो होगा वो सबमिट करेंगे। अब वो जो बाय एंड ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ वाली बात थी उसको चेंज कर दिया गया है, और ये बोला गया है कि आप अपनी क्वार्टरली रिटर्न आगे 13th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ तक जो होगा वो फाइल करेंगे, आगे 13th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ जो होगा वो फाइल करेंगे। दैट्स अ सिंपल चेंज। आई एम रिपीटिंग, एग्रीगेट टर्नओवर जिनका 1.5 सीआर होता था उनको क्वार्टरली बेसिस पर जीएसटीआर 1 फाइल करने का स्पेशल प्रोसीजर दिया गया था। पहले कहा गया था बाय एंड ऑफ द मंथ, अब वो चेंज कर दिया गया है बाय 13th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ जो होगा उन्हें फाइल करना होगा। अच्छा, साथ ही में आईसीआई ने जो लेटेस्ट स्टडी मटीरियल अपना इशू किया है उसमें उन्होंने ये क्लियर किया है स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट पर्पस के लिए जो बेसिक ड्यू डेट्स लॉ में लिखी हुई हैं वही उनसे पूछी जाएंगी, उन्हें अपने आंसर्स में वही लिखना होगा। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट्स जो है वो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए रेलेवेंट होगी, बट स्टूडेंट को एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स ऑफ द रिटर्न किसी भी केस में याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए जी, फिर उसके बाद बात करता हूँ नेक्स्ट एरिया की, तो ई वे बिल वाले चैप्टर में एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई है। वो अमेंडमेंट यहाँ मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा, वो अमेंडमेंट बेसिकली ई इनवॉइसिंग के अमेंडमेंट से रिलेटेड है, तो जब आप ई इनवॉइसिंग का डिटेल डिस्कशन करेंगे वहाँ हम उसकी बात करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट एरिया अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में आपको याद होगा सेक्शन 35 जो था वो बताता था कि जीएसटी टैक्सपेयर को किस तरीके से अपने जीएसटी में अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। सेक्शन 35 में साथ में ये भी प्रोवाइडेड था कि कुछ बड़े टैक्सपेयर्स जो होंगे उनको अपने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का जो होगा वो ऑडिट कराना पड़ेगा। आई होप आपको याद होगा ऑडिट की थ्रेशोल्ड क्या प्रोवाइड की गई थी, 2 करोड़, कि वो व्यक्ति जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड कर जाता है उन्हें अपने अकाउंट्स का जो होगा वो ऑडिट कराना पड़ेगा, और फिर वो ऑडिटेड रिपोर्ट अलोंग विद द रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट अपनी एनुअल रिटर्न के साथ जो होगी वो सबमिट करनी पड़ेगी। ऑडिट की थ्रेशोल्ड 2 करोड़ रुपए की स्पेसिफाइड थी, पर
फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए उसे बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया था। अब अमेंडमेंट के थ्रू फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए भी उस थ्रेशहोल्ड को बढ़ा करके जो है वो 5 करोड़ कर दिया गया है। तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 एज वेल एज 19-20 इन दोनों ही सालों के लिए अगर टैक्स पेयर का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा होगा तो उसे जीएसटी ऑडिट अप्लाई होगा, अदरवाइज उसे जीएसटी ऑडिट जो होगा वो अप्लाई नहीं होगा। चलिए जी, फिर उसके बाद बात आती है डिमांड एंड रिकवरी की। डिमांड एंड रिकवरी के चैप्टर में जो अमेंडमेंट हुई है दैट इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट प्रैक्टिकल अमेंडमेंट डिमांड एंड रिकवरी। इसमें हमने बात की थी सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 की। अगर आपको याद हो तो 73-74 में हम डिस्कस करते थे कि अगर कभी भी टैक्स पेयर के एंड पे से टैक्स नॉट पेड है या शॉर्ट पेड है तो फिर 73 एंड 74 में ऑफिसर किस तरीके से रिकवर कर सकता है, नोटिस बेस्ड ऑर्डर, उस प्रोसीजर को डिस्कस किया गया था। अच्छा, 73 एंड 74 दोनों ही सेक्शन में खास बात क्या थी, उसमें साथ में ये बताया गया था कि टैक्स पेयर अगर जो टैक्स उसने पे नहीं किया या शॉर्ट पेड किया है अगर वो खुद उसको ऑफिसर के मांगने से पहले वॉलेंटरीली बेसिस पर पे करना चाहता है तो वो पे कर सकता है, और अगर वो वॉलेंटरीली पे कर देता है तो फिर उसको पेनल्टीज में कुछ रिलीफ मिटिगेशन जो है वो मिल जाते हैं। अच्छा, इन केस ऑफिसर डिटेक्ट करता है टैक्स पेयर के एंड पे से नॉन पेमेंट या शॉर्ट पेयर, तो ध्यान से सुनिएगा, ऑफिसर अगर डिटेक्ट करता है टैक्स पेयर के एंड पे से नॉन पेमेंट या शॉर्ट पेमेंट तो लॉ ये प्रोवाइड करता था कि ऑफिसर भी उस टैक्स पेयर को नोटिस भेजने से पहले प्री नोटिस कंसल्टेशन करेगा, जिसमें वो उसको कम्युनिकेट करेगा कि उसके एंड पे से क्या नॉन पेमेंट या शॉर्ट पेमेंट रह गई है। और नोटिस भेजने से पहले जब वो इस तरीके से कम्युनिकेशन करेगा तो टैक्स पेयर उस अपनी मिस्टेक को, उस अपने फॉल्ट को एडमिट करते हुए वॉलेंटरीली पेमेंट कर सकता है एंड मिटिगेशन ऑफ पेनल्टी के बेनिफिट्स ले सकता है। अब लॉ ने अमेंडमेंट करी है और अमेंडमेंट से ये प्रोवाइड किया है कि अगर ऑफिसर ने नॉन पेमेंट या शॉर्ट पेमेंट डिटेक्ट करी है तो ऑफिसर के लिए ये मैंडेटरी नहीं होगा कि ऑफिसर उसे नोटिस की बजाय प्री नोटिस कंसल्टेशन में लेकर के जाए। अगर ऑफिसर का मन करेगा तो ऑफिसर प्री नोटिस कंसल्टेशन की बजाय शो कॉज नोटिस ही इशू करेगा। ध्यान दीजिएगा, बड़ी ही सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट हो गई है। सिंपल वर्ड्स में पहले लॉ ये प्रोवाइड करता था कि नॉन पेमेंट शॉर्ट पेमेंट अगर ऑफिसर डिटेक्ट करेगा तो नोटिस से पहले इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करेगा, पर अब लॉ अमेंड हो गया और उन्होंने बोला जी ऑफिसर की डिस्क्रिप्शन है, उसे ठीक लगेगा तो फिर वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करेगा, और अगर उसे ठीक नहीं लगेगा तो वो डायरेक्टली शो कॉज नोटिस जो होगा वो इशू कर देगा। ये एक अमेंडमेंट हुई है और इस अमेंडमेंट को मैं काफी सिग्निफिकेंट इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, बिकॉज इस अमेंडमेंट के बहुत सारे प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन आएंगे। जब हम डिटेल में अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपके एंगल से ये क्यों सिग्निफिकेंट है कि ये एक अमेंडमेंट वो है जो प्रैक्टिकली बहुत ही रेलेवेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली ICI के स्टडी मटेरियल ने, जो भी उन्होंने लेटेस्ट अभी इशू किया, इस अमेंडमेंट को मिस कर दिया है। उनके स्टडी मटेरियल में ये अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, और इस अमेंडमेंट को लेकर के मैंने ICI बोर्ड ऑफ स्टडीज को जो है बेटा वो मेल डाली कि दिस इज अ सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट, बट आपसे ये शायद मिस हो गई है। एंड बोर्ड ऑफ स्टडी का जो मेरे पास रिप्लाई आया है उसमें उन्होंने ये बोला है कि हाँ जी ये अमेंडमेंट उनसे मिस हो गई है, इसका वो कोरिजेंडम इशू करेंगे और इसको जो होगा वो इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद बेटा अपील एंड रिवीजन, नेक्स्ट एरिया ऑफ अमेंडमेंट। इसमें बहुत ही सिंपल एंड छोटी सी अमेंडमेंट हुई है। अपील एंड रिवीजन में हमारे पास 4 स्टेजेस ऑफ अपील होती थी, अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। मैं बात करूंगा आपके साथ अपीलेट ट्रिब्यूनल की, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है बेटा, इसको लेकर के लॉ में ये प्रोविजन थे सेक्शन 109 में कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की हमारे पास स्टेट बेंचेस होती हैं, नेशनल बेंच होती है। ये जो स्टेट बेंचेस होती हैं ये भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है। अलग अलग स्टेट में स्टेट बेंचेस है बट उनका कॉन्स्टिट्यूशन किसने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सिर्फ J&K की जो स्टेट की बेंच थी उसको लेकर के प्रोविजन स्पेशल थे कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगी, वो स्टेट ऑफ J&K खुद कॉन्स्टिट्यूट करेगा। पर अब वो स्पेशल प्रोविजन जो थे वो खत्म कर दिए गए हैं, मतलब कि स्टेट ऑफ J&K के लिए भी जो स्टेट बेंच होगी, स्टेट ऑफ J&K के लिए भी जो स्टेट बेंच होगी वो भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही कॉन्स्टिट्यूट करेगी। ये स्टूडेंट एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट ऑफ से कुछ बड़ी अमेंडमेंट नहीं है, तो जस्ट रीड ओनली अमेंडमेंट है, इसके ऊपर और ज्यादा डिस्कशन की हमें जरूरत नहीं है। अगली बात करते हैं तो बेटा मिसलेनियस प्रोविजन से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी अमेंडमेंट। सेक्शन 168,
सेक्शन 168 सबसेक्शन 2, उसमें ये प्रोविजंस थे कि जीएसटी में कुछ स्पेसिफिक पावर्स थी, उनको कहा गया था कि उन स्पेसिफिक पावर्स को एक्साइज जो होगा वो टैक्स पेयर का जुरिसडिक्शनल कमिश्नर जो होगा वो नहीं करेगा, रेदर देन एक स्पेशल कमिश्नर होता है जो कि सीबीआईसी में पोस्टेड होता है और वो उस पावर को यूज करेगा ऑन ऑल इंडिया बेसिस यूनिफॉर्मिटी के लिए। तो आई एम रिपीटिंग, सेक्शन 168 सबसेक्शन 2 में कुछ स्पेसिफिक पावर लिस्ट डाउन थी और कहा गया था कि ये स्पेसिफिक फंक्शन जो होंगे वो जुरिसडिक्शनल कमिश्नर ना करके सीबीआईसी में पोस्टेड जो कमिश्नर होगा वो करेगा ऑल इंडिया बेसिस के लिए, ताकि यूनिफॉर्म तरीके से वो पावर यूज की जाए। अब वहां जो लिस्ट ऑफ पावर दी गई थी, उन लिस्ट ऑफ पावर में से दो पावर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है, दो पावर्स को जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है, जिसका इम्पैक्ट ये आया है कि अब उन दो पावर्स को सीबीआईसी में पोस्टेड जो कमिश्नर होगा वो यूज नहीं करेगा, उन पावर को जो जुरिसडिक्शनल कमिश्नर होंगे वो यूज करेंगे। दो फंक्शंस की पावर्स को सीबीआईसी में पोस्टेड कमिश्नर अब एक्साइज नहीं करेगा, रेदर देन वो फंक्शंस जो होंगे अब वो जुरिसडिक्शनल कमिश्नर अपने अपने हिसाब से अपने जुरिसडिक्शन में जो होंगे वो यूज करेंगे। ठीक है जी, अगली अमेंडमेंट हुई है सेक्शन 172 में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 172 अगर आप लोगों को याद हो तो सेक्शन 172 में हम बात करते थे रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर की। किसकी बात करते थे जी? रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर, आरओडी ऑर्डर। और सेक्शन 172 ये कहता था जीएसटी का लॉ एक नया लॉ है, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बना दिया है, अब इस नए लॉ में गवर्नमेंट के लिए भी क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है तो अगर कुछ कमी पेशी रह जाती है जिसकी वजह से डिफिकल्टी अराइज होती है तो उस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर इशू कर सकती है, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर। और साथ में ये प्रोवाइड किया गया था गवर्नमेंट ये रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर जो है ये जीएसटी के इंट्रोडक्शन से 3 साल तक ही इशू कर पाएगी, उसके बाद नहीं कर पाएगी। अब उन्होंने सेक्शन 172 को अमेंड किया है और उस 3 साल की पावर को बढ़ा करके जो है वो उन्होंने 5 साल जो है वो कर दिया है। अमेंडमेंट आपके स्टडी मटेरियल जो नवंबर के बैचेस थे उसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड थी एज अ फुटनोट, मैंने वहां पर आपको इसके बारे में मेंशन भी किया था। तो खैर ये फाइनली अमेंडमेंट मटेरियलाइज हो गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एरिया मिसलेनियस अमेंडमेंट का जो है, दैट इज बेटा सेक्शन 168A करके एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है थ्रू ऑर्डिनेंस। ये बेसिकली कोविड जब आया था तो कोविड की वजह से ये सेक्शन जो था ऑर्डिनेंस से इंट्रोड्यूस कर दिया गया था इनटू द सीजीएसटी एक्ट। इस सेक्शन में उन्होंने किया क्या था, इस सेक्शन में उन्होंने गवर्नमेंट को ये पावर दे दी थी कि कोविड की सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारे कंप्लायंसेस एक्शन विद इन नॉर्मल टाइम लिमिट जो कि जीएसटी लॉ में प्रोवाइडेड है वो कंप्लीट नहीं किए जा सकते हैं। तो उन्होंने 168 में गवर्नमेंट को एक ब्लैंकेट पावर ये दे दी थी कि कोविड जैसी फोर्स मेजोर जो सिचुएशन होती है अगर कभी भी आए और गवर्नमेंट को टाइम लिमिटेशन का एक्सटेंशन देना पड़े तो 168 में गवर्नमेंट एम्पावर्ड है कि वो नोटिफिकेशन इशू करके उन टाइम लिमिट्स को ब्लैंकेट बेसिस पर जो है वो एक्सटेंड कर सकती है। अब वो टाइम लिमिटेशन भले ही ऑफिसर के एंगल से हो कि ऑफिसर को एक टाइम लिमिट है फॉर टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन अगेंस्ट द असेसी, या टाइम लिमिट वो जो है वो टैक्स पेयर के एंगल से हो कि टैक्स पेयर को विद इन अ टाइम लिमिट कंप्लायंसेस करने हैं, तो ऑफिसर की एक्शंस लेने की टाइम लिमिट एज वेल एज टैक्स पेयर की कंप्लायंसेस करने की टाइम लिमिट, हर तरीके की टाइम लिमिट चाहे वो एक्ट में स्पेसिफाइड हो, रूल्स में स्पेसिफाइड हो, अदरवाइज स्पेसिफाइड हो, वो सभी टाइम लिमिट जो है वो बढ़ाई जा सकती है। गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है थ्रू सेक्शन 168A। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट, ये एग्जम्पशन से रिलेटेड अगर बात करें तो एग्जम्पशंस, जीएसटी एग्जम्पशंस का एक सेपरेट मॉड्यूल आपको दिया गया था, उसमें दो एंट्री आपके पास जो थी एग्जम्पशंस की, एंट्री नंबर 19A एंड 19B ट्रांसपोर्टेशंस की एग्जम्पशन से रिलेटेड एंट्री थी, इनकी टाइम लिमिट थी, ये जो थी ये टाइम लिमिटेशन इनकी एंड हो रही थी जी 30th September 2020 को। गवर्नमेंट ने इन एग्जम्पशन की टाइम लिमिट को जो है वो इंक्रीज कर दिया गया बाय 1 ईयर और अब ये एग्जम्पशन जो होंगी ये एप्लीकेबल रहेंगी टिल 30th September 2021। दैट्स अ माइनर अमेंडमेंट। और एग्जम्पशंस में बेटा एक नई एंट्री इंट्रोड्यूस हुई है, एंट्री नंबर 19C। इसमें उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च की सर्विस देने वाले 3 सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज को जो है वो उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है। ये एंट्री ये कहती है कि सैटेलाइट लॉन्च की सर्विस
जब दी जाएगी बाय इसरो या फिर अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ये तीन एंटिटीज हैं मेनली जो कि सैटेलाइट लॉन्चिंग की सर्विसेज देती हैं इंडिया में। तो इनकी सर्विसेज को जो है इस नई एंट्री के थ्रू जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया। दैट इज द सिंपल चेंज, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करें देन सेक्शन 148 में स्पेशल प्रोसीजर इशू किया गया था फॉर कॉर्पोरेट डेटर। आपके साथ हमने लास्ट बैचेस में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, यूट्यूब पर इसकी फुल फ्लेज डिटेल वीडियो भी पड़ी हुई है। इसमें हमने आपके साथ बताया था कि वो कॉर्पोरेट डेटर्स जो कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जिनके रिस्पेक्ट में रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया जा चुका है, जिसने उनकी मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लिया है, तो उन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को जीएसटी कंप्लायंसेस करने में दिक्कत ना हो, इस वजह से सेक्शन 148 में एक स्पेशल प्रोसीजर इशू किया गया था और बोला था कि जी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आप मैनेजमेंट को टेक ओवर करने के बाद आप उस एंटिटी के रिस्पेक्ट में फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेंगे और फ्रेश कंप्लायंसेस जो होंगे वो करेंगे। पीछे के जो कंप्लायंसेस हैं वो उस एंटिटी के सेपरेट चलेंगे और आपकी अपॉइंटमेंट के बाद आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेकर के फ्रेश अपने कंप्लायंसेस जो होंगे वो करेंगे। अब वो जो नोटिफिकेशन स्पेशल प्रोसीजर की इशू की गई है उसमें अमेंडमेंट की गई है। उस अमेंडमेंट में जो मेन अमेंडमेंट कह रही है वो बेसिकली ये है, वो ये कहता है जी अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने जिस कॉर्पोरेट डेटर का मैनेजमेंट टेक ओवर किया है, अगर वो जो कॉर्पोरेट डेटर है वो पहले जीएसटी में डिफॉल्टर था ही नहीं, उसने जीएसटी कंप्लायंसेस अपने सब पूरे कर रखे थे, देन इन दैट सिचुएशन इस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। अगर उसकी अपॉइंटमेंट से पहले कॉर्पोरेट डेटर जीएसटी में डिफॉल्टर नहीं था, सभी कंप्लायंसेस प्रॉपर्ली पूरे कर रहा था, तो फिर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उसे कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, आगे भी वो नॉर्मल उसी रजिस्ट्रेशन से फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेगा। पर हाँ, अगर डिफॉल्टर था वो कॉर्पोरेट डेटर, देन इन दैट सिचुएशन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेकर के अपने एंड पे से अपनी अपॉइंटमेंट के बाद नॉर्मल प्रोसीजर जो होगा वो सब जो होगा वो फॉलो करेगा। सो आई वुड लाइक टू रिपीट द क्रक्स ऑफ द समरी। पहले स्पेशल प्रोसीजर नोटिफिकेशन कहता था कॉर्पोरेट डेटर है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में है, तो फिर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ेगा, नया रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। लेकिन अब उन्होंने दो कैटेगरी बना दी है, उन्होंने बोला चेक करो कि जो कॉर्पोरेट डेटर है क्या वो पहले डिफॉल्टर था जीएसटी में। अगर वो जीएसटी में डिफॉल्टर था ही नहीं, उसने सभी कंप्लायंसेस किए थे, तो फिर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को कोई स्पेशल प्रोसीजर फॉलो नहीं करना, कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, वो एज इट इज आगे चलता रहे। पर अगर वो कॉर्पोरेट डेटर डिफॉल्टर था, देन इस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना है, नया रजिस्ट्रेशन लेकर के अपने एंड से आगे के पीरियड के कंप्लायंसेस उस न्यू रजिस्ट्रेशन से जो है वो कंप्लाई करने हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो ये हमारे पास बेटा टोटल अमेंडमेंट जो कि जीएसटी के अलग अलग एरियाज में है। मैंने सिर्फ आपको गिस्ट देने की कोशिश करी है क्योंकि बच्चे वरीड हो जाते हैं कि कितनी अमेंडमेंट है, कितना एप्लीकेबल होगा। तो एज सच रेस्ट एश्योर्ड, एज सच कोई मेजर अमेंडमेंट्स ऐसी नहीं है कि आपको टेंशन लेनी पड़े। हमारा जो लास्ट टाइम का बैच हमने रिकॉर्ड किया था नवंबर 2020 के अटेम्प्ट के लिए, वो एज इट इज मई 2021 वाले अटेम्प्ट वाले जो हैं वो देख सकते हैं। अमेंडमेंट्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको अवेलेबल यूट्यूब पर करा दी जाएंगी और आपको बेटर लिंकेजेस के साथ ही सब कुछ समझ आएगा, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। बात कर लेते हैं अब कस्टम्स की अमेंडमेंट की भी। तो कस्टम्स में भी कोई बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, कस्टम इन एनी केस एग्जामिनर का फोकस रिलेटिवली कम ही रहता है। तो देखिएगा कस्टम्स की अगर मैं अमेंडमेंट की बात करूँ तो कस्टम्स में इम्पोर्ट प्रोसीजर के चैप्टर से रिलेटेड एक बहुत ही माइनर अमेंडमेंट हुई है। इम्पोर्ट प्रोसीजर के चैप्टर में इफ़ यू कैन रिकलेक्ट, तो एक सिस्टम होता था कि नॉर्मली अगर कोई पर्सन बाहर से इंपोर्ट करता है तो उस इंपोर्टर को उस कंसाइनमेंट की कस्टम क्लियरेंस कराते टाइम ही उसकी ड्यूटी जो है वो भरनी होती है। आपने एक कंसाइनमेंट मंगाया, उसका क्लियर करा रहे हो, उसकी ड्यूटी भरो, कल कोई और मंगाओगे उसको क्लियर कराओगे, उसकी ड्यूटी भरो। पर कुछ बड़े इंपोर्टर्स ऐसे थे जिनको उन्होंने एक फैसिलिटी ये दी थी कि वो कंसाइनमेंट वाइज ड्यूटी ना भरे, वो डेफर्ड पेमेंट बेसिस पर जो है वो ड्यूटी भर सकते हैं।
अब वो कौन से इम्पोर्टर होते हैं जिनके लिए डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई थी, तो आपको रिकलेक्ट हो तो उन्होंने कहा था ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर करके गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें वो कुछ इम्पोर्टर्स को किसी क्रिटेरिया के बेसिस पर सेलेक्ट करते हैं लेवल ग्रेड वाइज। उसमें उन्होंने बोला था उस स्कीम के अंतर्गत जो इम्पोर्टर हैं उनको डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। अब अमेंडमेंट क्या हुई है, उन्होंने डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी एक और कैटेगरी ऑफ इम्पोर्टर को अलाउ कर दी है। कौन है जी वो? वो है ऑथराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग। ऑथराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग जो कि कुछ पर्टिकुलर क्रिटेरिया को फुलफिल कर रही हैं उनको डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल करा दी गई है। ठीक है जी, तो बड़ी सिंपल सी अमेंडमेंट है। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, ये अमेंडमेंट भी ऐसी अमेंडमेंट है जिसको ICI अपने लेटेस्ट स्टडी मटेरियल में कवर करना भूल गया है। ये अमेंडमेंट भी हमने खैर उनको कम्युनिकेट कर दिया है जी, ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है बट आपसे मिस हो गई है और बोर्ड ऑफ स्टडी ने रिप्लाई दिया है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इसको वो कवर कर लेंगे, तो आप लोगों को इसे पढ़ना है। चलिए जी, अगली अमेंडमेंट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। एक्सपोर्ट प्रोसीजर में उन्होंने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, सेक्शन 51B। अच्छा, ड्यूटी ड्रॉबैक तो जैसे आप जानते ही हैं कि अगर एक पर्सन जो है बाहर से एक्स गुड्स लाता है कस्टम ड्यूटी पेड, फिर उससे वाई बना करके एक्सपोर्ट करता है, देन इन दैट सिचुएशन उसने जो इंपोर्ट पर ड्यूटी पे करी थी उसका उसे ड्यूटी ड्रॉबैक रेमिशन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया जाता है। अब उन्होंने ये एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है 51B, जिसमें उन्होंने प्रोविजन ये इंट्रोड्यूस किए हैं कि गवर्नमेंट जब कभी किसी एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट्स करने की वजह से ड्यूटी या टैक्सेस के रेमिशन देती है तो उन ड्यूटीज या टैक्सेस का रेमिशन बेनिफिट जो उन्होंने उस एक्सपोर्टर को देना है उसको वो अब एक ड्यूटी क्रेडिट लेजर में क्रेडिट की फॉर्म में देंगे। हाँ जी, दोबारा दोहराता हूँ, एक एक्सपोर्टर है उसने एक्सपोर्ट्स किया, उसको ड्रॉबैक रेमिशन इंपोर्ट ड्यूटी का जो गवर्नमेंट देगी, उन्होंने ये कहा है कि हम उसको जो रेमिशन देंगे वो उसका एक लेजर कस्टम की पोर्टल पर बना देंगे और उस लेजर में जो बेनिफिट हमने देना है वो उसके नाम से जो होगा वो क्रेडिट कर देंगे। अब वो बेनिफिट उसके ड्यूटी क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। अब वो पर्सन क्या करेगा, मान लीजिए कोई बाद में कुछ इंपोर्ट करता है और उस इंपोर्ट पर उसे इंपोर्ट ड्यूटी देनी है तो उस इंपोर्ट ड्यूटी को कैश में पे करने की बजाय वो उस ड्यूटी क्रेडिट लेजर से सेट ऑफ करके जो होगा वो पे कर पाएगा। और अगर उस ड्यूटी क्रेडिट को वो किसी और पर्सन को ट्रांसफर करना चाहता है तो वो किसी और पर्सन को भी ट्रांसफर जो है वो कर सकता है। ड्यूटी क्रेडिट लेजर किस फॉर्म में मेंटेन होगा, कैसे उसमें ये डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज होंगी, वो सब इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो होगी वो गवर्नमेंट थ्रू रूल्स जो होगा वो स्पेसिफाई करेगी। रूल्स जो हैं वो अभी तक नोटिफाइड नहीं हुए हैं, जिस दिन रूल्स नोटिफाइड होंगे उस दिन 51B ऑपरेशनल होगा। अभी के लिए ये सिर्फ रीड ओनली प्रोविजन है जो कि ऑपरेशनल नहीं हुआ है, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये कंसेप्ट जो है वो कस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया है। चलिए जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट असेसमेंट के एरिया में, इनकम टैक्स में फेसलेस असेसमेंट इंट्रोड्यूस हुई। इनकम टैक्स में फेसलेस असेसमेंट इंट्रोड्यूस हुई, आप सभी को उसके बारे में पता है। फेसलेस असेसमेंट की अमेंडमेंट जो इनकम टैक्स में हुई मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, आप सबको पता है कि उसका बेसिक रक्स क्या है कि टैक्स पेयर और जो टैक्स ऑफिसर है उनका इंटरफेस वो जो है वो एलिमिनेट करना है। टैक्स पेयर की असेसमेंट होगी और टैक्स पेयर को पता भी नहीं होगा कि उसकी असेसमेंट किस पर्टिकुलर ऑफिसर ने करी है, और जब उसे पता ही नहीं होगी तो किसी तरीके का ब्राइब वगैरह उस ऑफिसर को दे करके फेवरेबल असेसमेंट कराना उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो रूल्ड आउट या मिनिमाइज जो है वो हो जाती है। उसी तरीके से कस्टम्स में भी फेसलेस असेसमेंट का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। हाँ जी, अब किसी इंपोर्टर ने मान लीजिए मुंबई पोर्ट पर जो है वो गुड्स मंगाए, तो व्हाट इज द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट, मुंबई पोर्ट। अब वो अपने गुड्स की क्लियरेंस कराने कहाँ जाएगा, मुंबई पोर्ट पर। उस पोर्ट का जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर होगा वो उसकी असेसमेंट करता था। अब उन्होंने कहा फेसलेस असेसमेंट का कंसेप्ट कस्टम में आएगा, जिस पोर्ट पर आप गुड्स इंपोर्ट करेंगे आपकी असेसमेंट उस पोर्ट का जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर करेगा ही नहीं। कौन करेगा फिर?
कस्टम का जो ऑटोमेटेड सिस्टम होगा वो आपकी बिल ऑफ एंट्री को किसी दूसरे ऑफिसर को असेसमेंट के लिए असाइन कर देगा जिसे आप जानते भी नहीं होंगे। तो मुंबई पोर्ट पर गुड्स आए, पहले असेसमेंट मुंबई पोर्ट का जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर करता था, पर अब मुंबई पोर्ट का जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर, पोर्ट ऑफ इंपोर्ट का जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर असेसमेंट नहीं करेगा, रेदर देन कस्टम्स के ऑटोमेटेड सिस्टम ने जिस भी जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को आपको बिल ऑफ एंट्री जो है वो असाइन करी है वो आपकी असेसमेंट करेगा जिसको आप नहीं जानते होंगे। तो अगेन एक तरीके से जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द टैक्स ऑफिसर होता था वो एलिमिनेट हो जाएगा और ब्राइबरी वगैरह की फैसिलिटी जो होगी वो रूल्ड आउट हो जाएगी। फेसलेस असेसमेंट की अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है एज पर माई व्यू, पर आईसीआई के स्टडी मटीरियल ने इस अमेंडमेंट को भी मिस आउट कर रखा है। आईसीआई के स्टडी मटीरियल ने इस अमेंडमेंट को भी, लेटेस्ट स्टडी मटीरियल उन्होंने इशू किया दिसंबर में, लेकिन इस अमेंडमेंट को इनकॉर्पोरेट करना जो है वो भूल गए हैं। इसके लिए भी हमने उन्हें मेल डाली है, उसका रिप्लाई अवेटेड है, बट इन माई पर्सनल व्यू मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो इसको कवर करेंगे और हम वेट करेंगे आईसीआई का जब कंफर्मेशन आ जाएगा कि हाँ वो इसको भी कवर कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं इसको कवर कर रहे हैं तो इसका भी मैं अमेंडमेंट लेक्चर में जो होगा वो आपके साथ डिस्कशन कर दूंगा। और ध्यान दीजिएगा, हर अमेंडमेंट जो भी मैंने अपना डिस्कशन में आपके साथ ली है, मैंने आईसीआई के लेटेस्ट स्टडी मटीरियल को डबल क्रॉस चेक किया है और क्या उन्होंने कवर किया और क्या उन्होंने नहीं कवर किया वो सब मैंने यहाँ रिमार्क वाइज जो है वो मेंशन किया है ताकि आपको बिल्कुल भी मेहनत ना करनी पड़े। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने यहाँ क्लियरली मेंशन किया है आईसीआई स्टडी मटीरियल जो कि नवंबर 2020 का एडिशन उन्होंने दिसंबर में रिलीज किया है वो इस फेसलेस असेसमेंट को कवर नहीं कर रहा है। इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट बट लास्ट मोमेंट अमेंडमेंट 31 अक्टूबर को ये अमेंडमेंट एनफोर्स में आई है एंड 31 अक्टूबर इज द एग्जैक्ट कट ऑफ डेट जहां तक कि अमेंडमेंट मई 2021 के लिए एप्लीकेबल होती है। तो शायद लास्ट मोमेंट की अमेंडमेंट थी, इस वजह से उनसे मिस हो गई है। वी नीड टू वेट कि वो अल्टीमेटली इसको कवर करते हैं या नहीं करते। नहीं करेंगे तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, बट कर देंगे तो आप रेस्ट एश्योर्ड रहिएगा इसका डिस्कशन भी आपको वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में जो होगा वो मिल जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कस्टम्स कस्टम टैरिफ एक्ट की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी का आपके साथ एक हमारे पास चैप्टर होता था जिसमें हम पढ़ते थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गया, SWS हो गया, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गई, CVD ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल हो गई। एक ड्यूटी उसमें होती थी सेफगार्ड ड्यूटी जो कि सेक्शन 8B ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट के थ्रू इम्पोज की जाती थी। सेफगार्ड ड्यूटी सेक्शन 8B बेसिकली ये कहता था कि अगर इंडिया में इम्पोर्ट्स बढ़ रहे हैं, सिग्निफिकेंट बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सिग्निफिकेंट इंजरी हो रही है, देन इन दैट सिचुएशन 8B में गवर्नमेंट को ये पावर दी गई थी कि गवर्नमेंट उस इंजरी को टेक केयर करने के लिए सेफगार्ड ड्यूटी जो है वो इम्पोज कर सकती है। और उस ड्यूटी को इम्पोज करने से इम्पोर्ट्स महंगे हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली फिर महंगे हो जाएंगे तो इम्पोर्ट कम हो जाएंगे तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। अब उस सेक्शन 8B को फॉरेंस एक्ट 2020 ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। जी हाँ, अमेंडमेंट नहीं करी कोई छोटी मोटी, उसने पूरा एक नया सेक्शन 8B जो है वो सब्स्टिट्यूट करके जो है वो प्रोवाइड किया है। अच्छा, अब जब सब्स्टिट्यूट किया है तो सुनने से तो ऐसा लगेगा बहुत सिग्निफिकेंट बड़ी भारी सी अमेंडमेंट कर दी, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने बेसिकली अमेंडमेंट करके ये कहा है कि सेक्शन 8B पहले ये पावर देता था कि गवर्नमेंट सेफगार्ड ड्यूटी इम्पोज कर सकती थी। अब अमेंडमेंट करके उन्होंने लिखा है जिस सेफगार्ड ड्यूटी इम्पोज करने की बजाय गवर्नमेंट सेफगार्ड मेजर्स लेगी। ध्यान से सुनिएगा जरा, पहले बोला गया था सेफगार्ड ड्यूटी इम्पोज कर सकती है, अमेंडमेंट करके बोला गया है सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन ये कहता है गवर्नमेंट जो होगी ऐसी सिचुएशन में सेफगार्ड मेजर्स लगा सकती है। आप पूछेंगे सर ये क्या बात हुई, तो बेटा सेफगार्ड मेजर्स इज अ वाइडर टर्म। सेफगार्ड मेजर्स में गवर्नमेंट सेफगार्ड ड्यूटी भी लगा सकती है और गवर्नमेंट सेफगार्ड ड्यूटी के अलावा अदर मेजर्स भी जो है वो ले सकती है। पहले रेस्ट्रिक्टेड था कि ड्यूटी से ही टेक केयर करेंगे उस सिचुएशन को, बट अब स्कोप वाइडर कर दिया गया है, गवर्नमेंट की स्कोप पावर्स वाइड कर दी गई है। आपको सेफगार्ड मेजर्स यूज करने हैं और उन मेजर्स में अगर आपको लगता है ड्यूटी इम्पोज करके ही टेक केयर करना जरूरी है तो ड्यूटी इम्पोज कर दो, और आपको लगता है कि अदरवाइज देन इम्पोजिशन ऑफ ड्यूटी बाय थ्रू सम अदर मेजर्स भी आप सिचुएशन को टेक केयर कर सकते हैं तो आप
वो भी कर सकते हैं। अब दिमाग में एक ऑब्वियस सी बात आ रही होगी कि सर ये क्या अदर मेजर्स है, तो बेसिकली बेटा ये WTO के कंसेप्ट से रिलेटेड है। वहां पर एक कंसेप्ट होता है टैरिफ कोटा का। टैरिफ कोटा का कंसेप्ट क्या होता है कि जिसमें गवर्नमेंट के पास ये पावर आ जाती है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि अप टू सर्टेन क्वांटिटी तो उस पर सेफगार्ड ड्यूटी एक्शन ना ले, और उससे ज्यादा का इंपोर्ट हो तो उसके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी का एक्शन ले ले। मतलब मान लीजिए गवर्नमेंट को ये लगता है कि बाहर से इंपोर्ट्स तो इंक्रीज हुए हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान भी हो रहा है, लेकिन अगर हम इंपोर्ट्स के ऊपर सीधा सेफगार्ड ड्यूटी लगा देंगे तो वो इंपोर्ट महंगे तो हो जाएंगे, इंडिया में आने कम तो हो जाएंगे, लेकिन उनके महंगे होने से उन गुड्स की इंडिया में शॉर्टेज भी हो सकती है, तब क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट को अब उन्होंने सॉल्यूशन ये दिया है जी, अगर आपको ये लगता है जिन गुड्स से शिकायत हो रही है उन गुड्स का इंडिया में आना ज़रूरी भी है, तो आप क्या करें, एक पर्टिकुलर लिमिट तक की क्वांटिटी को, एक पर्टिकुलर यूनिट की क्वांटिटी को आप कह दें जी इतनी यूनिट तक अगर गुड्स आएंगे तो उस पर हम सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे या बहुत ही कम लगाएंगे, लेकिन उस यूनिट से अगर ज़्यादा गुड्स आएंगे तो उसके ऊपर हम प्रॉपर सेफगार्ड ड्यूटी जो होगा वो लगाएंगे। इसको बेसिकली हम बोलते हैं टैरिफ कोटा। बाकी जब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इन द डिटेल अमेंडमेंट लेक्चर तो उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली क्रक्स सिर्फ अभी आप ध्यान रखिएगा, पहले गवर्नमेंट के पास सीधा एक ही पावर थी, इंक्रीज इंपोर्ट है, इंजरी कर रहे हैं, लगा दो ड्यूटी। अब क्या है, ड्यूटी की बजाय स्ट्रेस हो गया, सेफगार्ड मेजर्स अडॉप्ट करो। ड्यूटी लगा करके ही सेफगार्ड होगा तो ड्यूटी लगाओ, अदरवाइज सेफगार्ड हो सकता है तो अदर मेजर्स के बेसिस पर आप सेफगार्ड कर लो। चलिए जी, फिर उसके बाद लास्ट अगर मैं बात करूं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बेटा बिकॉज ऑफ द कोविड जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चल रही थी उसी को आगे भी कंटिन्यू किया गया है। FTP में हमारे पास डिस्कशन के लायक जो है कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। सो आई होप अब आपको एंटायर गिस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स जो होगा उसका आइडिया लग गया होगा, किस किस चैप्टर में अमेंडमेंट्स हुई है उसका सब आइडिया लग गया होगा। ये जो फाइल मैंने आपके साथ में डिस्कशन के लिए यूज़ करी है नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी, प्लीज़ अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिएगा ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। अब आप सब ये भी जानना चाहते होंगे अमेंडमेंट लेक्चर्स कब आएंगे, तो बेटा अमेंडमेंट लेक्चर्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपके पास आ जाएंगे। एज आई टोल्ड यू कुछ इश्यूज मैंने अभी भी बॉर्डर स्टडीज़ के पास क्लैरिफिकेशन के लिए भेजे हुए हैं, जैसे उनका प्रॉपर रिस्पॉन्स आ जाएगा मैं आपको जो होगा वो अमेंडमेंट लेक्चर्स जो होगा वो शेयर कर दूंगा। एंड रेस्ट एश्योर्ड कहीं भी आपको कहीं किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बैच नवंबर 2020 के अटेम्प्ट के लिए हमने रिकॉर्ड किया था उस बैच को आप एज इट इज़ बिना किसी टेंशन बिना किसी एक्स्ट्रा बर्डन के जो है वो मई 2021 के अटेम्प्ट के लिए सुन सकते हैं। अमेंडमेंट्स सेपरेट स्टडी आराम से हो जाएगी विद फुल एनालिसिस हो जाएगी। और साथ ही आपको एक खुशखबरी और भी ये देना चाहता हूँ कि इस बार हम लोगों ने कोविड में दुगना काम किया बेटा। दुगना काम इस सेंस में कि हमारा IDT का क्वेश्चन बैंक जो CA फाइनल का हम रिलीज करते हैं वो जनरली तो हम रिजल्ट्स के एक महीने बाद करते हैं, बट इस बार क्योंकि कोविड था और घर पर ही थे तो हमने अपना क्वेश्चन बैंक जो है वो एडवांस में ही रिलीज कर दिया है। क्वेश्चन बैंक टोटली अपडेटेड है, उसमें हमने नवंबर 2020 का जो अभी पेपर हुआ उसके सभी क्वेश्चंस विद अपडेटेड सॉल्यूशंस इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। दूसरा, ICAI ने जो स्टडी मटेरियल न्यू रिलीज किया है अभी दिसंबर में ही रिलीज किया है उस स्टडी मटेरियल को हमने एंटायरली गो थ्रू किया और उसमें ICAI ने कई सारे नए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा ICAI ने उसमें डाले थे, उन सभी क्वेश्चंस को भी हमने अपने लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक में जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दिया है। और इस बात को मैं गारंटी के तौर से कह सकता हूँ कि उस क्वेश्चन बैंक से बढ़िया आपको कहीं किसी भी पूरी मार्केट में कहीं क्वेश्चन आंसर का कंपाइलेशन नहीं मिलेगा, तो उस क्वेश्चन बैंक को आप यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरा तो आपके लिए सजेशन होगा कि उस क्वेश्चन बैंक को आप ज़रूर यूज़ करें, इतने क्वेश्चन हैं उसमें कि आपको जो होगा उससे बाहर किसी क्वेश्चन के आने की कोई गुंजाइश फील ही नहीं होगी। तो दैट इज़ ऑलरेडी रिलीज, उसका ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है और उस जो अगर आप उसे खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी जो होगा वो इस वीडियो के नीचे जो होगा वो मैं पेस्ट कर दूंगा। और इस बार हम लोग समरीज के ऊपर भी काम कर रहे हैं,
थोड़ा सा समय लग रहा है बिकॉज समरी के ऊपर काम करना रिलेटिवली थोड़ा सा टफ होता है, आपको कम शब्दों में कवरेज सारी रखनी होती है, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड होपफुली इस अटेम्प्ट में हम आपको टाइमली, अगर भगवान ने साथ दिया तो हम आपको बहुत बेहतरीन समरी भी जो होगा वो अवेलेबल करा पाएंगे। चलिए जी, स्टे ट्यून, और जो भी लीगल न्यू कोई भी अपडेट्स होंगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो होगा वो आप कनेक्टेड रहिएगा। टेलीग्राम चैनल में हम जो भी लेटेस्ट कुछ करते हैं उसके बारे में जो है हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। और जाते जाते, क्योंकि साल आपका नया साल है, तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी शायरी भी जो होगा वो मैं बोलना चाहूँगा, और ध्यान से सुनिएगा। सुनिएगा क्या मतलब, इसे अपने जहन में बैठा लीजिएगा। उदास लम्हों की, उदास लम्हों की ना कोई याद रखना। ये जो कोविड है इसने हमारा कैसे 2020 पूरा ले लिया ज़िंदगी में, पता ही नहीं चला, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये इतना समय हमारा कंज्यूम कर लेगा। सारी तरीके से, मतलब एक तरीके से ज़िंदगी की रफ्तार ही इसने रोक दी। तो मैं ये कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब तो नया साल है, ज़िंदगी में उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा ही होगा। सो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये कहा, उदास लम्हों की ना कोई याद रखना, तूफ़ान में भी तुम अपना वजूद संभाल रखना। उदास लम्हों की ना कोई याद रखना, तूफ़ानों में भी तुम वजूद अपना संभाल रखना। किसी की ज़िंदगी की खुशी हो तुम, किसी की ज़िंदगी की खुशी हो तुम, आपके पेरेंट्स वो तो आप ही के भरोसे पर बैठे हैं, किसी की ज़िंदगी की खुशी हो तुम, बस यही सोचकर तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। चलिए जी, आप सब लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। जल्दी आपके साथ अमेंडमेंट के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।